पौड़ी जिले के लैंसडाउन में विकास के मुद्दों को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्रवधू व कांग्रेस नेत्री अनुकृति गुसाई ने भी सवाल खड़े किए हैं। दरअसल कुछ दिन पूर्व ही लैंसडाउन से विधायक महंत दिलीप रावत ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा था कि सरकार लैंसडाउन का विकास करना भूल गई है, जिससे यहाँ की जनता को जवाब देना उन्हें भारी पड़ रहा है। ऐसे में अब कांग्रेस नेत्री ने लैंसडाउन में विकास का न होने का जिम्मेदार यहीं के विधायक दिलीप रावत और भाजपा सरकार को बताया है, जिसको लेकर एक जन आक्रोश रैली भी कांग्रेस द्वारा लैंसडाउन में निकाली गई और विकास के मुद्दों पर सवाल उठाए गए। कांग्रेस नेत्री अनुकृति गुसाई ने कहा कि 11 सालों से लैंसडाउन का विकास प्रभावित है, जिससे यहां मूलतः सुविधाएं तक जनता को नहीं मिल पाई है। पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। लैंसडाउन विधानसभा के अंतर्गत निकाली गई, उसका यही उद्देश्य था कि जिस तरीके से लैंसडाउन विधानसभा की उपेक्षा की जा रही है उत्तराखंड सरकार द्वारा भी और यहां के क्षेत्र विधायक द्वारा भी, जो खुद इस बात को कह रहे हैं कि 11 साल के अंतराल में वो कोई विकास का काम लैंसडाउन के अंदर नहीं कराए गए हैं, मैं सोचती हूँ कि जो अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और 11 सालों के अंदर लैंसडाउन को जिस दिशा में जाना चाहिए था, आज मैं सोचती हूँ कि दुर्भाग्य हमारी विधानसभा का कि चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो या लैंसडाउन की सड़कें हो, सारी व्यवस्था जो है लैंसडाउन के अंदर चरमराई हुई है।